नमस्कार बंधुगण, आज मु आपनको पई ओडिसा गवर्नमेंट रो बहुत बड़ रिक्रूटमेंट नहीं कि आछि। एटा आपन मानकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन, तो चलन तो देखिबा जे आपन मानकर कोन रिक्रूटमेंट नोटिस आछि छि। देखंतो एटा आपन मानकर बैंक रो रिक्रूटमेंट ऑफिसरी बा आईबीपीएस डिपार्टमेंट रो आपन मानकर रिक्रूटमेंट आज आसी जाय छि। त एथिरे आपन मानकर एप्लीकेशन अप्लाई डेट देखंतो आपनकर 12 जुलाई रो स्टार्ट हेबो एवं आपन मानकर अगस्ट 1 पर्यंत रहिबो। आउ देखंतु यार एग्जाम आपण मानकर 28 अगस्त रे हेबाकू जाबोची। तो जो पिला माने भी बैंकिंग पय प्रिपरेशन करूछंती तांकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आईबीपीएस रो क्लर्क रो आसी जाईची, तो तांकर एग्जाम आपण मानकर गोटे मास पर ही कंडक्ट करबो बोली एठी मेंशन करा हिची। नेक्स्ट देखंतु आपण मानकर कोन रहिची। नेक्स्ट देखंतु आपणकर मिनिमम एज आपण मानकर 20 इयर्स हेथवा कथा एवं मैक्सिमम आपणकर 28 इयर्स हेथवा कथा। यह व्यतीत तो आपण मानकर एसटीएससी ओबीसी आउ अदर कैटेगरी पय एज रिलैक्सेशन आपण माने देखि पारिबे केते केते रहूची, तो सेटा आपण माने डिटेल देखि देबे। नहले मो पीडीएफ आपनको डिस्क्रिप्शन लिंक रे दे देबे, आपण माने डिटेल चेक करि पारिबे जे आपण मानकर एज रिलैक्सेशन केते रहूची। यह व्यतीत तो आपण माने जदि नॉर्मल डिग्री करिसेंती जो स्ट्रीम रे भी हो साइंस आर्ट्स कॉमर्स जो डिपार्टमेंट जो आप नॉर्मल डिग्री करिसेंती बा बीटेक करिसेंती जेकोसी आप डिग्री करिसेंती यही जॉब पे एलिजिबल हो पारे से मैक्सिमम आपंकर भल फायदा जो आप नॉर्मल डिग्री करो थे भी तो एपं एलिजिबल हो पारे। तो आशा करूँगी आपण मैंने जारी पारे जो आप क्वालिफिकेशन केते दरकार। देखो मेन कथा है कि आपने चाहूँगी जल्दी रिक्रूटमेंट पाइबापी तो ये बैंकिंग सिस्टम में आपर जल्दी रिक्रूटमेंट हो पार। देखो ये आपर अगस्ट एग्जाम है तो डेफिनेटली आपर जनवरी नहले फेब्रुवारी को पोस्टिंग हो जीवो। तो जो पिला माने भी जाउछंती जल्दी पोस्टिंग हेबा पई तो ए चाकरी करबा पई तांको पई बहुत उपयुक्त अटे। देखंतु आपनकर ओडिसा रे जो वैकेंसी आसी आपनकर टोटल एथिरे आपनकर वैकेंसी रहिबो एथिरे आपनकर पाखा पाखि 210 प्लस वैकेंसी रहूछि आपनकर ओडिसा पई। तो एटा आपनकर बहुत बडो जॉब अपॉर्चुनिटी। देखंतु आपनकर अलगा अलगा बैंक पई आपनकर ओडिसा रे ऑफिशियली ए वर्षर आईबीपीएस रो रिक्रूटमेंट नोटिस आसी जाइछि। तो आप मैंने देखीदेवे जो आपर कौ बैंक वैकेंसी रही जब आपर कौ कैटेगरी अप्लाई करेंगे सहीटा जापर आ जानते आपने जो आईबीपीएस क्लर्क एग्जाम हुए आपर दुईटा फेज एग्जाम होता है, गोटे हूँ प्रिलिम आ गोटे हूँ मेन एग्जाम। तो देखो आप प्रिलिम एग्जाम हो आपर इंग्लीश आपर 30 मार्क रोज एप्टीट्यूड आपर 35 रोज रिजनिंग आपर 35 रोज टोटाल आपर 100 मार्क रोज जो आपर 60 मिनिट रे एग्जाम हो ताय सहित आपंकर नेगेटिव मार्क रही। जदि आप प्रिलिम क्वालिफाई करेंगे देन आपर मेन पाए सिलेक्शन हे मेन आपर जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस आपर 50 मार्क 35 मिनिट इंग्लीश आपर 40 मार्क 35 मिनिट रिजनिंग आपर 60 मार्क 45 मिनिट आउ क्वांटम एप्टीट्यूड आपर 50 मार्क जहाँ 45 मिनिट टोटाल आपर 200 मार्क रोज जहाँ आपर 160 मिनिट क्यारी कर। तो आपर यह एग्जाम प्रोसेस रही। तो ये आपण मानकर आईबीपीएस 2021-22 रो आपण मानकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आसी जाइछि। वीडियोटी बहुत मात्रा रे शेयर करंतु तले सबु कैंडिडेट को इनफॉरमेशन मिली पारिबो जे आपण मानकर बैंक रो नुवा रिक्रूटमेंट नोटिस आसी जाइछि। एवं जो माने मो चैनल रे फर्स्ट टाइम आछंती मो चैनल एलसीके जॉब रेना को सब्सक्राइब करंतु बेल आइकन को क्लिक करंतु ताहले आपण माने एभला जॉब इनफॉरमेशन आगर इफेक्टिवली पाई पारिबे। एवं जते होछि वीडियो को शेयर करंतु तले सबु कैंडिडेट को इनफॉरमेशन ठीक टाइम रे मिली पारिबो। धन्यवाद। जय हिंद।